कद्दूकस करने के लिए छलनी ले लेना है, ठीक है। इस तरह कद्दूकस कर लेना है और ये ऐसे रस, इसका अब इसका रस निकालना है। रस के लिए आप छलनी भी ले सकते हैं या आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, कॉटन क्लोथ। अभी प्याज का रस हो गया, अब इसके अंदर नींबू मिलाना, एक नींबू का रस। कचरा अंदर वापस ना जाए इसके लिए वापस जो कपड़े लिए थे कॉटन क्लोथ, ये आप छन्नी की मदद से इसके ऊपर ऐसे गार ले नींबू को। इसमें नींबू और प्याज का रस मिल गया, अब इसमें आपको डालना है नारियल का तेल। एक चम्मच आपको नारियल का तेल डालना है, अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको क्या करना है देख सकते हैं आप, इस तरह के उसे होगा और शाइनिंग आएगी। इसमें हमने तेल डाला, नींबू डाला जिसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी एजिंग गुण होते हैं, मतलब विटामिन सी होता है जो आपके बालों को शाइनिंग देता है, ठीक है। और ऑनियन डाला है, ऑनियन में भी सेम ही है, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी एजिंग गुण होते हैं, सूजन को कम करता है, बालों में शाइनिंग लाता है, बालों का कालापन लाता है, सफेद बाल दूर करते हैं, जो आपके सफेद बाल है उसे दूर करते हैं और आपका बाल घने लंबे शाइनिंग हो जा रहे, शाइनिंग मतलब एकदम चमकदार बनेंगे। और जो ये तेल डाल है, तेल ई होता है उसमें, जो आपके बाल को सही तरीके से पोषण देता है, आपके बाल लंबे घने और चमकदार बनेंगे और एकदम मजबूत बनेंगे, जो टूटेंगे नहीं। तो आपको ये क्या करना है, ये तेल, ये जो हमने नुस्खा बनाया, इसे आपको अपने बालों में लगाना है। इसे क्या करना है, इसे अपने बालों में लगाना है, इस तरह ले लीजिए। इसको एकदम जड़े तक जाने दीजिए। अब रुई की मदद से भी लगा सकते हैं, कॉटन बॉल जिसे बोलते हैं, लेकिन अगर हाथ से लगाएंगे तो बेहतर होगा, कि कोई मतलब नहीं है रुई से लगाना, कॉटन बॉल से लगाना मतलब फेस पे लगाओगे तो बेहतर है। क्या होता है कभी कभी हमारे हाथ जो होते हैं वो तो मतलब नरम नहीं होते, उसकी स्किन मतलब जाड़े हो जाते हैं, जो आपके चेहरे पे स्क्रैच पड़ने की नौबत आ सकती है, तो इसलिए हम रुई की मदद लेते हैं। लेकिन बालों में ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। आपको इस तरह हल्का सा मतलब ले लेके पूरे जड़ों के अंदर तक मसाज करना है, और मसाज करने के बाद इसे मिनिमम आपको 2 घंटे तक रखना है, 2 घंटे तक। सब बोलते हैं 1 घंटे, लेकिन मैं बोलता हूँ 2 घंटे तक। और मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपको है ना शैम्पू से नहीं धोना है बाल, नॉर्मली शैम्पू से सिर्फ एक बार हफ्ते में धोना है, और ये बाल ऐसे नॉर्मली आप नहाते हो तो ऐसे पानी डाल के धो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि आप शैम्पू लगाओगे बार बार तो आपके बाल टूटेंगे, और उसमें केमिकल होता है, फ्री सल्फेट वाला भी आता है, लेकिन रोज आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपको बालों में लेना है, इस तरीके से पूरा बाल को आपको पूरा बालों में करना है। देखिए किस तरह बाल में लगाने के बाद ये बाल एकदम शाइनिंग हो जाते हैं। इसको आपको 2 घंटा रखना है, ठीक है।